हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ वेलके नेशनल स्कूल वसई ईस्ट। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर मिस ज्योति सिंह। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ न्यू चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश बाल भारती बुक दैट इज स्टैंडर्ड फिफ्थ एंड द चैप्टर नेम इज यू कैन सी इन द स्क्रीन इज वाटर इन द वेल एंड इट इज चैप्टर नंबर 26। सो वॉट इज वेल? वेल मतलब क्या होता है? येस, वेल वी से कुआं, बावड़ी। सो ये स्टोरी किसके बारे में है? एक कुएं के बारे में है और उस कुएं के अंदर के पानी के बारे में है। सो लेट्स सी व्हाट द स्टोरी टेल्स अस। व्हाट अ फार्मर नीड्स मोस्ट फॉर हिज फील्ड इज़ अ गुड सोर्स ऑफ वाटर। नाउ यू टेल मी, एक किसान को सबसे ज़्यादा अपने खेत के लिए क्या चाहिए रहता है? येस, अ प्रॉपर फील्ड, अ प्रॉपर क्रॉप एंड अ प्रॉपर फर्टिलाइजर। बट वॉट इज़ द मेन थिंग विच ही नीड्स? ही नीड्स अ वाटर। अगर पानी नहीं रहेगा तो फसल अच्छी नहीं उगती है। सो एक फार्मर की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? पानी की। सो हियर देयर वॉज अ पर्सन नेम कासिम। ही कासिम हैड हीज आई ऑन अ वेल दैट वॉज जस्ट आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ हिज फील्ड। नाउ देयर वॉज अ पर्सन नेम कासिम और उसकी नज़र थी एक कुएं पे जो कि उसके खेत के बाहर, बाउंड्री के बाहर थी। बट अहमद द मैन हु ओन द वेल वॉज अ क्राफ्टी ओल्ड मैन। ही वुडेंट अलाउ एनी वन टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम हिज वेल। अब जो अनदर पर्सन था जिसका ये कुआं था, वो बहुत ही क्राफ्टी ओल्ड मैन था, मतलब बहुत ही यू कह लो कि मतलब ही था वो। हर चीज़ जो है तोल मोल के करता था। सो वो कभी भी किसी को पानी जो है वो कुएं में से निकालने नहीं देता था। ही टोल्ड कासिम, वाई डू यू कम टू मी अगेन एंड अगेन टू बेग फॉर एक्सेस टू माई वेल? आई फील सॉरी टू टर्न डाउन योर रिक्वेस्ट एवरी टाइम। आई हैव अ सजेशन फॉर यू, कलेक्ट सम मनी एंड बाय द होल फॉर होल वेल फ्रॉम मी। सो वॉट ही सेड कि तुम बार बार क्यों आ जाते हो मुझसे मतलब गुजारिश करने, अगेन एंड अगेन टू बेग फॉर एक्सेस ऑफ़ माई वेल, पानी निकालने के लिए जो गुजारिश करते हो, क्यों आते हो? मुझे बहुत ही ख़राब लगता है तुम्हारी रिक्वेस्ट को हर बार मना कर देना। मेरे पास एक सजेशन है तुम्हारे लिए कि तुम पैसा जमा करो, कलेक्ट सम मनी एंड बाय, और मेरे से पूरा कुआं ही खरीद लो ताकि आपको पानी की प्रॉब्लम ना हो और मुझे बार बार तुम्हें मना करना ना पड़े। कासिम थॉट ओवर द सजेशन एंड लाइक्ड इट। फिर कासिम को ये सजेशन बहुत ही अच्छा लगा। ही न्यू अहमद वुड आस्क फॉर अ लॉट ऑफ मनी बट ही सॉ इन हिज माइंड्स आई चैनल्स ऑफ वाटर रनिंग फ्रॉम द वेल थ्रू हिज फील्ड एंड मेड अ डिसीजन। अब इसे तो पता था कि अहमद जो है, कासिम को ये बात पता थी कि अहमद ये वेल देने के लिए बहुत सारा पैसा डिमांड करेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक बार कुआं मेरे पास आ जाएगा तो मेरे पास बहुत सारा पानी होगा तो मैं अच्छे से अपनी फसल उगा पाऊँगा। एंड इसीलिए फिर उसने डिसीजन ले लिया कि चलो मुझे ये वेल, ये जो कुआं है, ये बाय करना है। ही टुक ऑल हीज सेविंग्स टू अहमद एंड बॉट द वेल। सो उसने अपनी जितनी जमा पूंजी उसने संभाल के रखी थी वो सारा उसने अहमद को दे दिया और उससे वो कुआं बाय कर लिया, उसे खरीद लिया। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द वेल हैप्पीली एंड डग आउट अ चैनल। नाउ वॉट इट मीन्स? डग आउट अ चैनल मीन्स रास्ता बनाना। सो अगले दिन वो खुशी खुशी कुएं के पास गया और वहाँ से उसने चैनल, एक जैसे मेड जिसे हम रास्ता कहते हैं जहाँ से पानी जो है वो हमारे फील्ड में पहुँचता है, दिस काइंड ऑफ लाइन विच इज़ मेड इन द फील्ड, इस तरीके से वो चैनल बनाने लगा ताकि जो पानी है वो पूरा प्रॉपरली फील्ड के अंदर जा सके। बट वैन ही बिगेन टू ड्रॉ वाटर देर वॉज अ सरप्राइज इन स्टोर फॉर हिम। तो जैसे ही उसने पानी निकालना शुरू किया वेल से, उसका एक सरप्राइज उसका वेट कर रहा था। सडनली अहमद केम फॉरवर्ड एंड अनाउंस्ड। और फिर अहमद जिसने वो कुआं उसे बेचा था कासिम को, वो आके कहने लगा, वॉट आर यू डूइंग कासिम? हाउ डेयर यू टच द वाटर इन माई प्रेजेंस? सो वॉट ही सेड कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कासिम पानी छूने की मेरे प्रेजेंस में मेरे रहते हुए? वॉट डू यू मीन? हैवेंट यू सोल्ड दिस वेल टू मी? सो नाउ हियर
कासिम सेठ की आप क्या बात कर रहे हो, आप ही ने तो मुझे ये वेल बेचा था, सेल किया था और मैंने इसे बाय किया है। आह, आई सोल्ड द वेल ऑल राइट बट नॉट द वाटर इन द वेल। सी हाउ विक ना, बहुत ही चालाक, बहुत ही चतुर था ये अहमद। उसने क्या कहा कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है, मैंने तुम्हें वेल कुआं बेचा है लेकिन कुएं के अंदर का पानी तुम्हें मैंने सेल नहीं किया है, सो कुएं के अंदर का पानी तो मेरा है, उसे तुम यूज़ नहीं कर सकते। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी। सो व्हाट ही सेड कि ये पानी अभी मेरा प्रॉपर्टी है, तुम इसे नहीं ले सकते। इफ़ यू नीडेड द वाटर अलॉन्ग विद द वेल यू शुड हैव सेड सो। आई हैव अ सजेशन फॉर यू, पे फॉर द वाटर सेपरेटली एंड यूज इट। यू कैन बाय फ्रेश वाटर एवरी डे, आई डोंट माइंड। सो ये व्हाट ही सेड, व्हाट अहमद सेड कि तुमने मुझसे पहले बता देना चाहिए था कि तुम्हें कुआं और कुएं के अंदर का पानी दोनों चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक सजेशन है, तुम हर दिन फ्रेश पानी जो है मुझसे ले सकते हो, लेकिन तुम्हें हर दिन मुझे उसके पैसे देने पड़ेंगे और मुझे उसे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आओ हर रोज़ मुझे पैसे दो और मुझसे पानी लेके जाओ। कासिम वॉज शॉक्ड टू हियर अहमद आर्ग्यूमेंट, इट वॉज सो अनफेयर, सो अनजस्ट। अब कासिम ने अपनी पूरी जो जमा पूंजी थी, अपनी जो सेविंग्स थी, उसने वो सारी तो दे दी है, अब वो शॉक्ड हो गया अहमद के आर्ग्यूमेंट से। उसके हिसाब से ये बहुत ही अनफेयर था, मतलब गलत था, अनजस्ट था। ही रश टू द काजी एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी। नाउ व्हाट इज़ काजी, पता है काजी एक तरीके का जज होता है, जैसे ही हमारे कोर्ट में एक जज होते हैं वैसे ही पंचायत में भी एक काजी होते हैं, जहाँ पे दिस मुस्लिम्स हैव अन हेड, एक हेड जो वहाँ पे करते हैं, जो कि शादियाँ करवाते हैं और जो ट्रूथ अनट्रूथ जो है सही और गलत का रास्ता दिखाते हैं, उन्हें हम काजी कहते हैं। सो कासिम जो है वो काजी के पास गया और उसको अपनी पूरी स्टोरी जो है वो समझाने लगा, बताने लगा। द काजी वॉज अ वाइस मैन, वो बहुत ही अच्छा आदमी था। ही टोल्ड कासिम टू ब्रिंग अहमद टू हिज कोर्ट सो दैट ही कुड हियर बोथ साइड्स ऑफ द केस। सो अभी कोई भी डिसीजन जो है वो वन साइडेड नहीं होता है, एंड देयरफॉर काजी सेड कि ये काम करो, तुम अहमद को कोर्ट में लेके आओ, दरबार में लेके आओ, हम उधर ही हर किसी की जो साइड्स है वो सुनेंगे और फिर कोई एक डिसीजन पे पहुँचेंगे। अहमद वॉज समन टू द कोर्ट, द काजी हर्ड हिज आर्ग्यूमेंट्स पेशेंटली। सो अहमद जो है वो कोर्ट रूम में आया और उसने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बात काजी के सामने रखी, बताई। आई सी दैट यू आर राइट, वॉट यू हैव सोल्ड इज़ द वेल, द वाटर इज़ ऑल योर्स, इज़न्ट दैट सो। सो काजी ने क्या किया, काजी ने वही बात रिपीट की कि हाँ मुझे तुम सही लग रहे हो, तुमने तो वेल सेल किया था, पानी थोड़ी ही सेल किया था। अब ये सुन के सोचो क्या हुआ होगा कासिम का। कासिम्स हार्ट सैंक व्हेन ही हर्ड द काजीज वर्ड। कासिम का जो है वो क्या हो गया, वो बहुत ही उदास हो गया, बहुत ही परेशान हो गया, उसका दिल डूब गया। नाउ दिल डूब गया मीन्स इट डजेंट मीन दैट उसका हार्ट लाइक ही वॉज वेरी हेट्रेड, ही वॉज वेरी सैड, उसे बहुत ही बुरा लग रहा था कि ये क्या काजी तो क्या हो रहे हैं, वो कासिम अहमद की बात पे अग्री कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि अब मेरा पैसा भी गया और वेल भी गया। अहमद इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स वॉज ओवरजॉयड, अहमद जो है वो बहुत ही खुश हो रहा था अंदर ही अंदर कि चलो पैसे भी मिल गए और कुआं भी मेरे पास रह गया। ही हैड नेवर थॉट द काजी वुड साइड विथ हिम, और उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि काजी जो है वो उसके साइड लेंगे, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी उल्टी हो गई। यहाँ पे काजी जो है वो कासिम के साइड ना होके अहमद की तरफ से बोलने लगे। माय लॉर्ड आई एम सो ग्रेटफुल यू अंडरस्टैंड द फाइन पॉइंट्स ऑफ दिस केस, द वाटर डज इंडीड बिलोंग टू मी। सो अगेन अहमद सेड कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप मेरे मेरे पॉइंट्स को, इस केस को आपने समझा और उसे माना, ये वाटर जो है वो मेरा ही है। In that case, Ahmed, why are you keeping it in Kasim's well?
यू हैव नो राइट टू कीप योर बिलोंगिंग्स इन हिज प्रॉपर्टी. सो नाउ हियर इज अ ट्विस्ट. व्हाट काजी सेड कि मैं तुम्हारे बात से अग्री करता हूँ. पानी तो तुम्हारा है लेकिन वेल किसका है? वो तो अहमद का है. वो तो कासिम का है. तुम किसी और के प्रॉपर्टी पे अपनी चीज़ कैसे रख सकते हो? तुम्हें वो पानी उस कुएं से निकालना पड़ेगा क्योंकि पानी जो है वो आपका है लेकिन वेल जो है वो किसका है? वो कासिम का है. और हम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी चीज़ें किसी और के प्रॉपर्टी पे नहीं रख सकते हैं. और एल्स यू कैन पे अ डेली रेंट टू कासिम. व्हाट ही सेड कि अगर तुम नहीं निकाल सकते हो वो पानी तो तुम्हें हर दिन उसका एक रेंट, एक कीमत जो है वो कासिम को देनी पड़ेगी क्योंकि कासिम ने वो वेल बाय किया है. वेल उसका है, उसमें का पानी तुम्हारा है तो तुम लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन ही विल अलाउ यू टू यूज़ हिज वेल. तो अगर आप डेली रेंट पे करोगे तब जाके वो पानी उस वेल के अंदर रह सकता है. अदरवाइज यू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल बिकॉज वाटर बिलोंग्स टू यू बट द वेल बिलोंग्स टू हू? इट बिलोंग्स टू कासिम. अहमद वॉज सो कन्फ्यूज डैट ही डिड नॉट नो वट टू से. ऑल द पीपल प्रेजेंट इन द कोर्ट बिगेन टू लाफ. और ये सुन के सब जो है वो जो कोर्ट है दरबार में सब हंसने लगे और अहमद काफ़ी कन्फ्यूज किया, अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर तो स्टोरी कुछ उल्टी हो गई, मैंने तो बहुत ही वाइसली सबको समझा दिया था, फिर ये तो केस मुझ पर ही उल्टा पड़ गया. बट कासिम वॉज अ जेनरियस मैन. ही नेवर ट्रबल्ड अहमद फॉर द रेंट दैट वॉज ड्यू फ्रॉम हिम. अब कासिम तो बहुत ही सीधा साधा पर्सन था सो उसने कभी भी उससे रेंट नहीं लिया, उसको परेशान नहीं किया. और एट लास्ट पानी जो है वो भी कासिम का, वेल जो है वो भी कासिम का. सो फ्रॉम दिस स्टोरी व्हाट डू यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस, हम किसी के साथ अगर अच्छा नहीं करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होता है. नेवर गो फॉर द ग्रीडी थिंग्स. यू हैव टू बी पोलाइट, यू हैव टू बी जेनरस, तब जाके आप अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो. अगर आप भी अहमद की तरह करोगे, विक्ट बनोगे, सो व्हाट विल हैपन? एवरीवन विल लाफ ऑन यू. बट इफ़ यू विल हेल्प समवन, एवरीवन विल अप्रिशिएट यू. एंड दैट इज़ द मॉरल विच इज़ देयर इन दिस स्टोरी विच वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी. सो नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल रीड दिस स्टोरी, यू विल रीड दिस चैप्टर एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द मीनिंग्स, द हार्ड वर्ड्स एंड learn and try to answer all these questions on your own. Till then, students, have a nice day. Bye bye.